आज भी एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। मैंने जिसका बोली थी उसका वेट खत्म हुआ। बोलते हैं ना, सबर का फल बहुत मीठा होता है और अल्लाह बेहतर लेके बेहतरीन देता है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेख सिस्टर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी दिन बाद हम मिल रहे हैं आप लोगों से, और मतलब कुछ था इशू जिसकी वजह से हम लोग ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, थी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, बट अभी सब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। अभी फिर से हम लोग आ चुके हैं, फिर से हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। इंशाल्लाह हम अपडेट रहने की पूरी कोशिश करेंगे। और क्या, मैंने तो बहुत मिस किया मेरी ब्लॉगिंग को, आप लोग ने किया कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज हम लोग कुछ बताने वाली हूँ, कुछ है सरप्राइज। आज भी एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए और मेरे लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो जिसका मैंने काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, मतलब 5 साल से शायद मैं वेट कर रही थी और वो आज जाके कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वही चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं शेयर करूँगी आप लोगों से वो क्या है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बस आज वो हो जाए, कल पे ना चली जाए वो। मैं बहुत 2-3 दिन से उसमें भी लगी हुई थी, बहुत इधर उधर मनाना पड़ा, हो गया बट हो गया। तो मैं बताऊंगी वो चीज़ क्या है, सरप्राइज़ है वो, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए वो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, वो जब आ जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। सो गाइज, मैंने जिसका बोली थी उसका वेट ख़त्म हुआ। ये है वो चीज़, मेरा पार्सल आ गया। मैं बताती हूँ इसमें क्या है, बताती हूँ बच्चा इसमें क्या है। मैं बस खुल जाए तो खुल गया, कटर लेना चाहिए था, छुरी इससे नहीं खुलेगा शायद। आई एम वेरी एक्साइटेड, बॉक्स देख के तो पता चल गया, दिख भी गया मेरा आईफोन आ गया फाइनली। इसका मैंने 6 साल से वेट करी, जब मैं 11th में थी तब से मुझे लेना था, बट इस बार अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैंने ले ली। अभी निकल, कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये है iPhone 14 C, कितना प्यारा लग रहा है मेरा, मतलब 6 साल का बरसों का सपना पूरा हो गया। बिस्मिल्लाह, मैं तो पूरी रात इसको लेके सोऊंगी, बताइए दे। अच्छा लग रहा है ना, कितना बहुत मैंने इसका बहुत वेट किया। और पता है मैं एक और चीज़ मस्त लग रहा है, रेड कलर, मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं 11th में थी ना, तभी 6S बहुत चलता था, तब मुझे ऐसा था 6S लेना है, फिर 7+ आया, फिर 8+, तो एंड तक मुझे था मैं 8+ लूँगी बहुत रिक्वेस्ट करी अम्मी से। फिर 2020 में फाइनली अब्बा का हम लोग दोनों को पैसा मिला था, मतलब जब अब्बा थे हम लोग को पैसे दिए थे प्रॉपर्टी में से, तो हम लोग को जब मिला था तब मैंने बहुत कोशिश करी, जब 11 लॉन्च हुआ था, और आज तक भी मुझे 11th ही चाहिए था, अभी भी 2023 में भी मुझे 11 ही चाहिए था। बट ऐसा था कि मतलब कि नहीं, अभी वो वर्जन स्लो गया, सब ने जिससे भी मैंने पूछे सब ने बोले वर्जन स्लो गया, अभी न्यू आ गया है तो तू न्यू ले। तो मुझे अभी भी ऐसा था कि नहीं, मैं 11 ही लेने गई थी, बट नहीं, फिर मेरा 13 पे दिल आया था कि 11 या फिर 13-14, तो मेरे जहन में ही नहीं था कि नहीं मुझे नहीं लेना है। बट बोलते हैं ना, सबर का फल बहुत मीठा होता है और अल्लाह बेहतर लेके बेहतरीन देता है। तो मैंने 11 सोची थी और अल्लाह मतलब मुझे 14 मिल गया, जिसका मैंने सोची भी नहीं थी। तो मतलब वो एक चीज़ ऐसा हो गई कि हाँ, मतलब वो सच होता है कि बेहतर से बेहतरीन मिलता ही है। तो मेरे सबर का फल मुझे मिल गया फाइनली, बहुत खुशी हो रही है मुझे। अब ये चालू होने वाला है गाइस। हेलो, हो गया। हेलो, नमस्ते भी आएगा। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने 11 से मतलब मैं 14 पे आ गई यार, मतलब मुझे पता ही नहीं था। मैं तो अभी भी जब मैं क्रोमा में 2 दिन से क्रोमा के चक्कर काट रही थी 11 लेने के लिए, फिर मैंने वहाँ 13 भी मेरा था माइंड में, चल 13 ले लूँगी, 11 सब मना कर रहे, बट खोला हुआ तो क्या हुआ, 14 हो गया।
मतलब जिसका मैंने सोची भी नहीं थी। अभी हम लोग इससे व्लॉगिंग करेंगे इंशाल्लाह, अभी इससे हम लोग करेंगे, और जिसका मैंने सोची भी नहीं थी वो हो गया। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि मुझे ये मिल गया फाइनली। मतलब मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी और हो गया। बता, मस्त लग रहा है, सेक्सी लग रहा है ना एकदम, रेड भी। वैसे मेरे को पर्पल रेड हॉट, हाँ मुझे पर्पल कलर चाहिए था, बट ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ये हाथ में भी मस्त लग रहा है, पर्पल कलर के लिए और 2-3 हज़ार ऊपर जा रहे थे, मैं भी नहीं छोड़ जाने। नेक्स्ट टाइम ये मेरे को दे देगी तुम। ये बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन रेड भी प्रिटी लग रहा है शाना, बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। ला मेरे हाथ में ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट रात के खाने के लिए, कुछ बनाने के लिए। अम्मी बाहर है तो अभी वो आएंगे, तो कॉल आ गया कि कुछ बना के रखो, तो मैं और शाना जा रहे हैं कुछ लेने के लिए। देखते हैं क्या बनाते हैं, फिर बताती हूँ। गाइज हम लोग मार्केट जाकर आ गए और घर में सब ख़त्म हो गया था, ये दूध टमाटर चिकन लाया अभी बनाने के लिए, और ये मैडम की दवा लेकर आए हम लोग ने। 500 रुपये में से क्या बचा? 500 रुपये लेके उतरे थे, 24 रुपये, सिर्फ 24 रुपये बचा है। और शाना की थोड़ी तबीयत खराब है तो उसकी दवाइयाँ चालू है, दुआ करना उसके लिए। तो उसकी भी दवाई वगैरह हम लोग लेकर आए, और मेरे फ़ोन का मेरे को एप्पल आईडी वगैरह भी सब बनाने का है, तो समीर को मैंने बुलाई हूँ, वो आएगा फिर सब करके देगा मुझे। तो अभी किचन में बन रहा है हम लोग का चिकन का सालन, और यहाँ ये भाई साहब आ चुके हैं। नहीं मेरा भाई नहीं है, और मेरे फ़ोन की सेटिंग कर रहा है ये अभी कुछ, तो सब कर शट अप। ये अभी इसमें मेरे को सिम डालने का एप्पल आईडी वगैरह बनाऊंगी, तो ये बनाएगा अभी, क्योंकि मेरे को इतना नहीं आता है, वो कॉपी वगैरह भी करते बैठा है मेरे कॉन्टैक्ट सब, तो इसमें करेंगे हम लोग। तो मैं बना रही हूँ आज चिकन का सालन, बहुत दिन बाद आज किचन में। हाँ दूंगी कान के लिए। हाँ ये प्याज फ्राई हो रहा है, और ये चिकन को मैंने पूरा मैरिनेट कर दिया, और क्योंकि जल्दी जल्दी बनाने का है मेरे को, तो इसलिए मैं फटाफट वाला झटपट वाला समझ लो मैं सालन बना रही हूँ। दही था, टमाटर नहीं डालूंगी, सिर्फ दही और सारे मसाले और कांदा बस, और कुछ नहीं। सालन हो गया रेडी, आपको दिखाती हूँ, ये देखो। ये झटपट वाला सालन माशाल्लाह, और मेरे यहाँ चावल हो रहा है, राइस, जीरा राइस, बस सालन तो रेडी है, बस अभी जैसी बन जाएगा खाने की तैयारी। राइस हमारा खाना भी रेडी हो चुका है, और फ़ोन भी रेडी हो चुका है। लॉक क्या? हाँ अभी इस पे बताऊँ मैं लॉक ते को, तो फोन की सेटिंग वगैरह भी सब हो चुकी है। इनने कर दिया फिर मैं तुम लोग दोनों का मर्डर करूंगी। तो फिर मेरा फोन, अरे और क्या, मेरे को फोटो ले, तड़प रही है, तेरा फिंगर लगा तो क्या देखने पाई, फोन मिले अपने एक लिए वाईफोन में ले। अभी हम लोग कल से इसमें बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो ये पूरा सेट हो चुका है, कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह ज़रूर बोलना। और यहाँ निकल रहा है खाना, अच्छा दिख रहा है सालन को, चलो चलो हाँ जल्दी जल्दी खाते हैं, फिर मिलते हैं उसके बाद। तो गाइस हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना हो गया, और ये देख क्या, ये देखो क्या कर रही है, नहीं मेहंदी आर्टिस्ट सीख रही है। जब अम्मी तुम जब इसको पार्लर में सिखा रहे थे तब सीखी नहीं, अभी सीखने का शौक है। हाँ जब पार्लर में फ्री में, हम लोग का जब पार्लर था, इसको फ्री में बिठा के सिखा रहे थे अम्मी, तब ये सीखी ना, जब तो लगा सीखे। आंडू गुंडू ठंडा पानी, वैसे भी प्रैक्टिस कर करके इंसान सीखता है। फैन चालू कर, फैन, अरे अम्मी कूलिंग आ रही है, नहीं रे तू चालू कर, तो अभी कूलिंग बेड पे रुक जाओ, सारी नीचे।
हाँ तो मैं ये बोल रही थी, तभी भी मेरी बात अधूरी रह गई जब मैं फोन अनबॉक्स कर रही थी, तो मैं ये बोल रही थी कि जब अब्बा ने हम लोग को 2020 के टाइम पे पैसे दिए थे, मतलब हम लोग के लिए, तो तभी हम लोग फोन लेने के लिए गए थे, बट तभी भी नया नया लॉन्च हुआ था, मुझे लेने नहीं दिए थे आईफोन बच गया मेरा। ये देखा अभी आवाज फास्ट हुई, पता नहीं दिखाओ मम्मी किसका है, देखती हूँ। हाँ तो मेरी बार बार बात अधूरी रह जा रही, मैं ये बोल रही थी अभी फटफट मैं बोल देती हूँ कि तभी भी फ़ोन नहीं लेते, तभी नया नया आईफोन 11 लॉन्च हुआ था, तभी इन्होंने मना करते बोले थे कि तू वन प्लस ले ले 30-40 हज़ार का, लेकिन आईफोन मत लेना इतना महंगा लेके, मतलब नहीं ऐसा वैसा नहीं, तभी भी मेरे को लेने नहीं दिलाए नहीं थे मेरे को इनने, बोले गाड़ी ले ले ये ले ले, जो गाड़ी चलाने नहीं आती तो गाड़ी लेने ले रहे थे ज़बरदस्ती, फिर भी तब भी मैंने तब से फिर सब्र करी 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 अब जाके फाइनली आ गया। तो आईफोन आने की खुशी में छोटी सी पार्टी, हम लोग की आइसक्रीम पार्टी इसकी और मेरी, ले अभी रुक जाए, कितनी बिजी है देखो मेहंदी में, खत्म ही नहीं हो रही इसकी, नजदीक से तो कैसी दिख रही, दूर से दिख अच्छी लग रही दूर से ही सही में अच्छी लग रही, सीख जाएंगे सीख जाएंगे। तो आइसक्रीम के आज आइसक्रीम खाना है, लास्ट हिस्सा बचा इसका, खत्म भी कर दी ने ओड़ी फटफट हम लोग का छोटा सा डस्टबिन, अल्लाह ब्लर हो गया, हाँ छोटू सा डस्टबिन इसमें तो भी पास ले आ, मैंने जो हेयर के लिए खाई थी सेम वैसी कलर शाइन ने दी थी ना एक बार, अम्मी मेरे को पहले बहुत ना इतनी गंदी कैप्सूल ऐसी थी ब्राउन कलर की, लेकिन इतनी गंदी पास आती थी, छी बहुत गंदी उल्टी आती थी इसकी, नहीं मैं जब पहले रमजान में खाती थी मेरे हेयर के लिए, वो तो कितनी घटिया थी मालूम, खाती थी तो ऐसी उल्टी निकल जाती थी मेरी, स्मेल नहीं आ रही है, ऐसी लग रही मेरे को। अच्छा ऐसा ही है, मेहंदी लगा के बैठी है इसको अभी सब वो करके, तुमको मालूम आयरा पूरे क्लास में सबसे फर्स्ट आई है, ए ग्रेड से पास हुई है, टॉप करी है, आई वीडियो कॉल पे बात करी मैंने तो बोलती है फुप्पू मैं सबसे फर्स्ट आई सबसे फर्स्ट क्लास में, और सब मैंने उसका रिजल्ट भाभी ने डाले थे, सब में ए ग्रेड लाई मालूम, एक 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 उसका मतलब मिलने भी नहीं गए, हाँ कल जाते क्या कुछ लेके अपन उसके लिए केक या कुछ है ना, केक सरप्राइज, हाँ उन लोग को बताते नहीं, शाना क्या बोलती जाते, तो हम लोग बैठे बैठे प्लान कर लिए उसकी पसंद की सब चीज लेके जाएगी, हाँ उसको सब अच्छा लगेगा, मैं को बोल भी रही थी कि फुप्पू कुछ मैं पास हुई मेरे कुछ दो अभी हाँ मेरे को ऐसा बोली, मैं उसको बोली ना तू पास हुई मैं आईफोन ले रही, तो बोलती मेरे को दिलाओ पार्टी दो, मैं पास हुई मेरे को आईफोन दिलाओ, फिर बोलती है मैं अपने अब्बा को आईफोन 13 Pro Max दिलाओ, बर्गर खाती क्या खाती, बर्गर कुछ नहीं सिर्फ मांगती सब है उसको, तो लेके जाएंगे ना वहाँ भाभी का माइक्रोवेव तो मस्त गरम कर कर खाने का, कल दोपहर में बोला मैं पार्टी देने आई भाई को बोलना, हाँ ऐसे करते तो देख लेगा कल बोलेगा, तो कल 9 बजे डालूंगी ना वैसे भी, तो कल हम लोग जाएंगे मेरा आईफोन की भी पार्टी भाई, क्योंकि उसका काम में तो नहीं आ पाएगी भाई नहीं आ पाएगा भाई और नहीं आ पाएगा। अभी अभी मेरी नम्मो मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएगी आईफोन पे, हाँ अभी आईफोन आ गया अभी तो और अच्छा अच्छा आप लोगों को क्लैरिटी और अच्छी देखने मिलेगी हम लोग के व्लॉग्स में और शॉर्ट्स भी, मैं अभी मेकअप का मेरा मेन मोटिव कल मैं क्या बोलते हैं मेकअप करेंगे घर में, मेरा मेन मोटिव था आईफोन लेने का मेकअप के लिए और वो हो जाएगा इंशाल्लाह, तो आप लोगों को मेरी मेकअप वीडियोस इंस्टाग्राम पे भी देखने मिलेंगी, तो प्लीज़ मेरे इंस्टा में भी आप लोग ये देखो लेकिन उसमें लॉक आया है वो तो हटा खुला हाँ नहीं हुआ अनलॉक नहीं, रुक जा नहीं हुआ मेरा भी लॉक था। सो गाइस इसी के साथ आज का दिन हमारा ख़त्म होता है और आज का काफ़ी अच्छा दिन था, मेरा आईफोन आ गया सो ये ब्लॉग अभी मैं यहीं एंड करी, काफ़ी दिनों बाद हम लोग ने ब्लॉग शूट किया है, सो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।